दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं योर ऑनलाइन पार्टनर। एनआईएस की डिग्री की वैधता को लेकर आजकल कई खबरें आ रही है। मैंने भी आपको पिछले वीडियो में बताया था कि नीट जो एग्जाम है उसमें एनआईएस की डिग्री जो लोग किए हैं उनको यहां पे मान्य नहीं दिया गया है, उनको हटा दिया गया है, उनकी वैधता खत्म कर दी गई है। तो उसमें क्या क्या बातें हैं, क्यों है, कैसे है, वो बातें यहाँ पे आई है, तो वो बातें हम आपको यहाँ पे इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अपन स्कूलिंग एनआईएस ने एनआईएस को नीट से अयोग्य करार दिया गया है। एनआईएस बनाने का मकसद मुख्य धारा की शिक्षा व्यवस्था के अनुपूरक के तौर पर था और इसमें काम धंधा से जुड़े लोगों को आगे पढ़ाई करने का मौका मिलता था, लेकिन इनके सपने अब राख हो चुके हैं। तो बेसिकली जो एनआईएस यानी कि ओपन स्कूलिंग की जो यहाँ पे व्यवस्था की गई वो इसलिए की गई, तो मान लीजिए कि जो लोग काम धंधे में जुड़े हुए हैं और वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं तो उनके लिए यहाँ पे ओपन स्कूलिंग की व्यवस्था की गई, या ऐसे लोग जो कि एक दो विषय में सब्जेक्ट में क्रॉस लगने के कारण इंप्रूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए बनी, तो वो सब चीजें के लिए यहाँ पे एनआईएस संस्था बनी। लेकिन कुछ कुछ कारणों से यहाँ पर जो है एनआईएस की डिग्री को यहाँ पे मान्य नहीं दिया जा रहा है, तो नीट वाले परीक्षा में ये बातें हुई। आगे अगर इसमें हम लोग देखें तो मौजूदा समय में 3500 से ज्यादा सेंटर में पंजीकृत 27 लाख स्टूडेंट के साथ एनआईएस दुनिया में सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम होने का दावा करता है। तो एनआईएस ये कहता है कि 3500 से ज्यादा सेंटर उसके पास हैं और 27 लाख स्टूडेंट एनआईएस के पास हैं और वो सबसे बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। 40 लाख से ज्यादा स्टूडेंट एनआईएस में पास होने का सर्टिफिकेट रखते हैं, तो 40 लाख से ज्यादा ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास ऑलरेडी एनआईएस का सर्टिफिकेट है। और नीट का नोटिफिकेशन पूरी तरीके से एनआईएस की स्थापना के विचार को ही ध्वस्त कर देता है कि मतलब जो एनआईएस का जो यहाँ पे तरीके से एनआईएस की पढ़ाई हो रही है या जो वहां पे डिग्री मिल रही है उसको पूरी तरीके से ध्वस्त कर रहा है कि वो कहीं से भी मान्य नहीं है। इसके लिए क्या तर्क दिया जा रहा है वो हम लोग अब देखेंगे। तो इसके लिए तर्क दिया जा रहा है कि विज्ञान के विषय में प्रैक्टिकल परीक्षा होना जरूरी है, अगर यही करना है तो एनआईएस बायोलॉजी या विज्ञान की पढ़ाई क्यों कराता है, और इनमें 20% अंक प्रैक्टिकल के भी होते हैं जो कि नियमित स्कूलों में भी होते हैं। उन्होंने अगर यह बात 2 साल पहले बता दी होती तो इन लोगों ने इस कोर्स का चुनाव नहीं किया होता। इन बच्चे को कोर्स खत्म करने के बाद यह बात बताना एक अपराध है। तो ये बात सही है दोस्तों, क्योंकि अगर आप शुरू में ही बता देते हैं कि ये कोर्स की वैधता क्या है या इस कोर्स का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए तो ये मान्य होगा। तो ये सब चीजें अगर पहले से क्लियर रहे तो यहाँ पे लोगों को परेशानी नहीं होगी, जो भी स्टूडेंट एनआईएस से जुड़े हुए हैं उनको परेशानी नहीं होगी। जब कोर्स कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जब ये बातें सामने आती है तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि लोग अपने पैसे के साथ साथ समय भी गंवाते हैं। तो यहाँ पे हर चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये कहाँ पे मान्य है कहाँ पे मान्य नहीं है, इसकी पूरी डॉक्यूमेंट आना चाहिए। और एनआईएस में तरह तरह के कोर्स हो रहे हैं, लाखों स्टूडेंट का मामला है, लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं, तो इसे बहुत ही सख्ती के साथ और बहुत ही यहाँ पे इसको जरूरी देते हुए इसकी पूरी तरीके से यहाँ पे क्लियर किया जाए कि ताकि लोगों का भविष्य अंधकार में ना जाए। यही मैं यहाँ पे रिक्वेस्ट करता हूँ सरकार से और एनआईएस से जो कि यहाँ पे जुड़े हुए हैं इन सब चीज़ों से। और आगे दोस्तों इस वीडियो पे इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शेयर कीजिए अगर आप लोगों को बताना चाहते हैं व्हाट्सअप फेसबुक हर जगह पर। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जो वीडियो देख रहे हैं उसके नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, वहाँ से आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सब्सक्राइब करने के बगल में बेल आइकन आएगा, उसे दबा देंगे तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।